हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग बाय डूइंग में। और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। मूव करते हैं मोटिवेशन कोट पे। शिक्षा से अच्छा दोस्त दुनिया में कोई नहीं होता। शिक्षित व्यक्ति हर जगह सम्मान पाता है। Nobody is a good friend with education. An educated person gets respect everywhere. Move करते हैं first question पे। निम्न में से कौन सा देश हाइपरसोनिक प्रौद्योगिकी निर्देशक यान HSTDV तैयार करने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया है? Which of the following countries has become the fourth country in the world to produce hypersonic technology demonstration vehicle HSTDV? Option है चीन, रूस, भारत, जापान। इसका राइट आंसर है भारत। भारत ने स्वदेश में विकसित हाइपरसोनिक प्रौद्योगिकी निर्देशक यान HSTDV का सफल प्रायोगिक उड़ान परीक्षण किया। इसे भविष्य में लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल प्रणाली और हवाई रक्षा प्रणाली को मजबूती मिलने की उम्मीद है। HSTDV को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक राज्यों को सरकारी विज्ञापनों की सामग्री के नियमन के बारे में कितने सदस्यों की समिति का गठन करना है? अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हाउ मेनी मेंबर्स हैव टू कॉन्स्टिट्यूट अ कमेटी रिगार्डिंग द रेगुलेशन ऑफ द कंटेंट्स ऑफ गवर्नमेंट एडवर्टाइजमेंट्स? ऑप्शन है 4, 5, 7, 3। इसका राइट आंसर है 3। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार राज्यों को सरकारी विज्ञापनों की विषय वस्तु के नियमन के बारे में 3 सदस्यों की समिति का गठन करना है। कर्नाटक, गोवा, मिजोरम और नागालैंड पहले ही ऐसी राज्य स्तरीय समितियों का गठन कर चुके हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने ऐसी ही समिति गठित करने की सहमति दे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का प्रमुख सचिव किसे नियुक्त किया गया है? वो हैज बीन अपॉइंटेड अस प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा। ऑप्शन है IAS नीतीश्वर कुमार, IAS मनोज कुमार, IAS राहुल सचदेवा, IAS अनमोल त्यागी। इसका राइट आंसर है IAS नीतीश्वर कुमार। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का IAS नीतीश्वर कुमार को प्रमुख सचिव नियुक्त किया है। IAS अधिकारी कुमार उपराज्यपाल सिन्हा के रेल राज्य मंत्री रहते उनके ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी OSD के रूप में भी अपनी सेवा दे चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस राज्य ने इज ऑफ डूइंग बिजनेस 2019 की रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज टॉप द रैंक ऑफ इज ऑफ डूइंग बिजनेस 2019? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, बिहार, पंजाब, आंध्र प्रदेश। इसका राइट आंसर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश को इज ऑफ डूइंग बिजनेस 2019 रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। इस सूची में आंध्र प्रदेश पूरे देश में पहले स्थान पर रहा, जबकि तेलंगाना तीसरे और मध्य प्रदेश को चौथा स्थान प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को असम राइफल्स के लिए दोहरी नियंत्रण संरचना को समाप्त करने अथवा उसे बनाए रखने को लेकर निर्णय लेने हेतु कितने सप्ताह का समय दिया है। हाउ मेनी वीक्स हैज दिल्ली हाई कोर्ट गिवन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट टू डिसाइड वेदर टू अबोलिश और मेंटेन द ड्यूअल कंट्रोल स्ट्रक्चर फॉर द असम राइफल्स। ऑप्शन है 12 सप्ताह, 15 सप्ताह, 22 सप्ताह, 32 सप्ताह। इसका राइट आंसर है 12 सप्ताह, 12 वीक्स। दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को असम राइफल्स के लिए दोहरी नियंत्रण संरचना को समाप्त करने अथवा उसे बनाए रखने को लेकर निर्णय लेने हेतु 12 सप्ताह का समय दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। जीवन बीमा कंपनी बजाज अलायंस ने किस अभिनेता को अपना नया ब्रांड एम्बेसिडर नियुक्त किया है? Which actor has been appointed by life insurance company Bajaj Alliance as its new brand ambassador? Option है आयुष्मान खुराना, सलमान खान, अजय देवगन, सनी देओल। इसका राइट आंसर है आयुष्मान खुराना। जीवन बीमा कंपनी बजाज अलायंस ने बॉलीवुड अभिनेता आयुष्मान खुराना को अपना नया ब्रांड एम्बेसिडर बनाया है। आयुष्मान जीवन बीमा करता कि ब्रांड एम्बेसिडर के रूप में इसके उत्पादों के साथ साथ बजाज अलायंस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की डिजिटल सेवाओं का प्रचार करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस देश के वित्त मंत्री और संचार मंत्री युवराज खाटीवाड़ा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? Which country's finance minister and communications minister Yuvraj Khatiwada has resigned from his post? Option है चीन, रूस, बांग्लादेश, नेपाल। इसका राइट आंसर है नेपाल। नेपाल के वित्त मंत्री और संचार मंत्री युवराज खाटीवाड़ा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। युवराज खाटीवाड़ा जो कि सेंट्रल बैंक ऑफ नेपाल के पूर्व गवर्नर भी रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु की किस जिले को राज्य का पूरी तरह डिजिटल अर्थव्यवस्था वाला पहला जिला घोषित किया है? Which district of Tamil Nadu has been declared as फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट इन द स्टेट टू हैव अ फुल्ली डिजिटल इकोनॉमिक। ऑप्शन है विरुधुनगर, करूर, कांचीपुरम, कृष्णगिरी। इसका राइट आंसर है विरुधुनगर। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु के विरुधुनगर जिले को राज्य का पूरी तरह डिजिटल अर्थव्यवस्था वाला पहला जिला घोषित किया है। यहाँ बड़ी संख्या में लघु और मध्यम उद्यम विशेषकर आतिशबाजी और संबंधित क्षेत्र के उद्यम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में तुर्की ने पूर्वी भूमध्य सागर में किस देश द्वारा एक नौसैनिक अभ्यास के आयोजन की घोषणा की है? Recently, which country has announced the holding of a naval exercise in the eastern geo-central sea by Turkey? Option है बांग्लादेश, रूस, नेपाल, पाकिस्तान। इसका राइट आंसर है रूस। हाल ही में तुर्की ने पूर्वी भूमध्य सागर में रूस द्वारा एक नौसैनिक अभ्यास के आयोजन की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस पूर्व सांसद को जननायक जनता पार्टी जजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? Which former MP has recently been appointed as the national president of जननायक जनता पार्टी जेजेपी? ऑप्शन है अशोक सिंह, अजय सिंह चौटाला, निशिकांत दुबे, संतोष विक्रम सिंह।
इसका राइट आंसर है अजय सिंह चौटाला। पूर्व सांसद अजय सिंह चौटाला को जननायक जनता पार्टी जेजेपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। चौटाला को अध्यक्ष बनाने का फैसला पंचकुला में हुई पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में लिया गया। अजय चौटाला पूर्व उप मंत्री दिवंगत देवीलाल के पोते हैं और जेजेपा के सह संस्थापक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरभजन सिंह ने व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए इंडियन प्रीमियर लीग 2020 से हाथ खींच लिए हैं। स्पिनर किस आईपीएल टीम का हिस्सा था? हरभजन सिंह हैज पुल्ड आउट ऑफ इंडियन प्रीमियर लीग 2020 सिटिंग पर्सनल रीजंस। द स्पिनर वाज ए पार्ट ऑफ विच आईपीएल टीम? ऑप्शन है मुंबई इंडियंस, चेन्नई सुपर किंग्स, दिल्ली डेयर डेविल्स, कोलकाता नाइट राइडर्स। इसका राइट आंसर है चेन्नई सुपर किंग्स। हरभजन सिंह ने व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए इंडियन प्रीमियर लीग 2020 से हाथ खींच लिए हैं। स्पिनर चेन्नई सुपर किंग्स आईपीएल टीम का हिस्सा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वोडाफोन और आइडिया कंपनी ने हाल ही में मिलकर कंपनी को क्या नाम रखा है? व्हाट न्यू नेम हैज बीन गिवन बाय वोडाफोन एंड आइडिया कंपनी टुगेदर रिसेंटली? ऑप्शन है FI, VI, DI, NI। इसका राइट आंसर है VI। वोडाफोन आइडिया ने नया ब्रांड VI को लॉन्च किया है। इस नए ब्रांड की नजर भविष्य की संभावनाओं पर टिकी होगी और इससे उपभोक्ताओं को बेहतर सेवा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से डिजाइन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नदी परिभ्रमण शुरू करने की योजना बनाई है? Which state has planned to start river cruises to boost tourism? Option है झारखंड, गोवा, केरल, उड़ीसा। इसका राइट आंसर है उड़ीसा। उड़ीसा राज्य सरकार ने अपने पर्यटन विभाग को राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने और राज्य के पर्यटन उद्योग पर COVID-19 के प्रभाव का मुकाबला करने के लिए नदी परिभ्रमण शुरू करने का निर्देश दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस केंद्र शासित प्रदेश ने अपनी जैव विविधता के दस्तावेज के लिए एक जैव विविधता परिषद की स्थापना की है? Which Union Territory has set up a Biodiversity Council to document its biodiversity? Option है जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, पुंडुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। इसका राइट आंसर है जम्मू और कश्मीर। जम्मू और कश्मीर सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश की जैव विविधता के दस्तावेज के लिए एक जैव विविधता परिषद की स्थापना की है। परिषद स्थानीय शासन निकायों के प्रतिनिधियों की मदद से पीपल्स बायोडायवर्सिटी रजिस्टर बनाए रखेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने हाल ही में एक पुरानी योजना स्वयं योजना को फिर से लॉन्च किया? विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली रीलॉन्च्ड ऑन ओल्ड स्कीम स्वयं स्कीम? ऑप्शन है पंजाब, तमिलनाडु, असम, बिहार। इसका राइट आंसर है असम। असम राज्य सरकार ने हाल ही में एक पुरानी योजना स्वयं योजना को फिर से लॉन्च किया है। इस योजना का उद्देश्य लगभग 2,00,000 युवाओं को स्वरोजगार प्रदान करना है। इसे स्वामी विवेकानंद असम युवा शक्तिकरण योजना कहा जाता है। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करना। थैंक यू।